जी न्यूज़ प्ले होने के अगले दिन अमीश देवगन ने ट्वीट किया, ट्वीट करके इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी कि वो गलती से हो गया, और एक चीज़ उन्होंने वीडियो भी जारी किया अपना माफ़ी मांगते हुए। इसके बावजूद आप कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं? देखिए साहब, क्योंकि एक तो एक नेशनल लेवल पर जो न्यूज़ एंकर है तो इतना अनजानी में उनसे तो गलती नहीं हो सकती, और ये तो ऐसा दिख रहा है कि हाँ मुखा के अब क्योंकि बात मंजर आम पर आ गई और ऐसा लग रहा है कि उनको भी पता चल गया कि अरेस्ट कैसे भी हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से वो आकर खाम खा के माफ़ी मांगने का ढोंग रचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन के खिलाफ कंप्लेनों का सिलसिला जारी है। हिंदुस्तान भर के कोने कोने से अमीश देवगन के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई जा रही है। आज 19 जून को हैदराबाद के गाजी मिल्लत कॉलोनी के लोगों ने एक डिबेट में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करने पर चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन में हिंदू मुस्लिम भाइयों ने साथ मिलकर साथ में जाकर वहां पर न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई। इस मौके पर मोहम्मद रशीद वारसी, हबीब अहमद, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद अनवर कादरी, प्रमोद कुमार कनवारकर और दीगर मौजूद थे, और उनका कहना है कि न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन, जिसने लाइव चैनल पर सुल्तान उल हिंद हजरत ख्वाजा सैयद मोहीउद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्ला आले की शान में सरेआम जो गुस्ताखी की है और उनके खिलाफ जो नाजेबा अल्फाज कहा है, काबिले मजम्मत, नाकबले बर्दाश्त, और उसे किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। टीवी एंकर के इस नाजेबा अल्फाज पर हर मजहब के मानने वालों के दिलों को तकलीफ पहुंची है। शहर हैदराबाद के मुसलमानों में भी गुस्से की लहर देखी जा रही है, और मीडिया से बात करते हुए उन लोगों ने न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन के नाजेबा अल्फाज की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए और हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि वो मस्कुरा एंकर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ताकि आइंदा कोई किसी भी मजहब के बारे में ऐसी हरकत ना कर सके, क्योंकि अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तमाम मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद के चहेते भी है, और बिना लिहाज मजहब व मिल्लत हजारों की तादाद में लोग इंतहाई यकीदत मंदी के साथ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिरी भी देते हैं। शहर हैदराबाद के मुसलमानों में इस हरकत को लेकर काफी बरहमी और नाराजगी पाई जा रही है। शेख शाहिद और मुजम्मिल अहमद के साथ मई शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर शहर हैदराबाद चंद्रनगुट्टा हल्का गाजी मिल्लत से यहाँ पर हम चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन आए हुए हैं कि उस मलऊन शख्स के बारे में केस दर्ज करवाने के लिए जो कि न्यूज़ 18 चैनल अमीश देवगन, जिसने सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह के ख़िलाफ़ और आपकी शान में गुस्ताखी करते हुए उसने जो अल्फाज कहे हैं, लिहाजा हम स्टेट गवर्नमेंट और इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यही अपील कर रहे हैं कि वो फौरन उस मलऊन शख्स को अरेस्ट करें, वरना हम लोग आज तो सिर्फ केस दर्ज करवाने के लिए आए हैं, और हम चाहें तो और भी आगे, मतलब हम एहतजाज भी कर सकते हैं और हड़ताल भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बात यह है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुकाम है जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब एकजहदी के साथ रहते हैं, और गंगा जमुनी तहजीब यहां पर होती है, और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह के सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख सब के सब उनके चाहने वाले हैं, सबके दिलों को उसने ठेस पहुंचाई है। लिहाजा आज हम ये अपील कर रहे हैं कि वो अमीश देवगन को किसी भी कीमत पर वो अरेस्ट करें, कि हमारी यही अपील है, और इसी तरीके से आज हम चंद्रनगुट्टा पीएस पर आए हैं, और यहाँ पर सर्किल इंस्पेक्टर उनसे भी हम लोगों ने केस दर्ज करवाया है, और कमिश्नर सिटी कमिश्नर से भी हमारी यही गुजारिश है कि अमीश देवगन को वो अरेस्ट करें, क्योंकि उसने तमाम सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि इस मुल्क के रहने वाले हर बाशिंदे के दिल को मजरूह किया है। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि न्यूज़ चैनल 18 जो अमीश देवगन है, जो एंकर हैं, उसको फौरी अरेस्ट किया जाए। जज़ाकअल्लाह खैरा। जी न्यूज़ प्ले होने के अगले दिन अमीश देवगन ने ट्वीट किया, ट्वीट करके इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी कि वो गलती से हो गया, और एक चीज़ उन्होंने वीडियो भी जारी किया अपना माफ़ी मांगते हुए। इसके बावजूद आप कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं? देखिए साहब, क्योंकि एक तो एक नेशनल लेवल पर जो न्यूज़ एंकर है तो इतना अनजानी में उनसे तो गलती नहीं हो सकती, और ये तो ऐसा दिख रहा है कि खामखा के
अब क्योंकि बात मंजर आम पर आ गई और ऐसा लग रहा है कि उनको भी पता चल गया कि अरेस्ट कैसे भी हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से वह आकर खामखा के माफ़ी मांगने का ढोंग रचा रहे हैं। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि कैसे भी उनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी किसी तरीके से एक लेडी डॉक्टर थे, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अल्फाज कहे थे। ये ऐसे अल्फाज हैं कि अवाम के दरमियान जहर फैलाने वाले हैं। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि उनको अरेस्ट किया जाए कि तभी जाकर ये बात थम सकती है। ये एक दो दिन या तीन दिन के नीचे टीवी 18 के न्यूज़ एंकर जो है अमीश देवगन साहब, जिन्होंने ये जो एक बैड एग्जांपल क्रिएट किया हमारे हिंदुस्तान के लिए, आज के दौर में या हमेशा हमारी गंगा जमुनी तहजीब जो बरकरार है, उसके बल मुस्लिम सी नहीं बल्कि बाकी बहुत से हिंदुओं के भी दिलों को ठेस पहुंचाई है, इसका हम प्रोटेस्ट करते हैं। और जो भी कानूनी कार्रवाई है होना चाहिए। अब गलती हो गई बोले तो नहीं होता, एक तो बड़े एंगल जिम्मेदार शख्स है, एपोलॉजी से कुछ काम नहीं चलता। और हमारे भाइयाँ भी हर जगह पे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स कर रहे हैं, उसका भी कानूनी कार्रवाई हो। और ये देश के लिए अच्छा नहीं है, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उसको बहुत गहरी चोट पहुँचाई है, इनको कड़ी से कड़ी हम निंदा करते हैं। थैंक यू सर। Different culture, different traditions, different people, all under one roof, under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College, academic excellence with reasonable fee structure, excellent highly qualified faculty, well-furnished and hygienic classrooms. I am Partha Sardi, principal Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subjects. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.